आज हम जानेंगे कि बैटरी और इन्वर्टर और बोर्ड के साथ कैसे कनेक्शन करते हैं। तो चले शुरू करते हैं। रेड वाली तार है, ये जोड़ती है मैंने प्लस वाली। देखो ये प्लस के निशान है ना, ये देखो, तो रेड वाली तार हमने ये प्लस के साथ जोड़ दिया, इसके साथ जोड़ दिया। और ये काली वाली जो तार है, ये वाली वायर मोटी तार है, वो हमने जोड़ दी है इसके साथ। इसमें माइनस का निशान है ना, देखो, इसके साथ जोड़ दिया। उसके बाद जो ये तार है, ये मेन फेज की तार है, इसके थ्रू जो फेज है, मेन फेज जो मेन सप्लाई है, इसके थ्रू इसके अंदर जाएगी। और उसके बाद डीसी को एसी में कन्वर्ट करके इसके थ्रू इसके अंदर सप्लाई जाएगी, जिससे पंखा और बल्ब चालू होगा हमारा। इस बोर्ड में एक सॉकेट जो हमने निकाली है प्लग ट्यूब, इसके जो मेन फेज है, इसके थ्रू जो दूसरी जो निकाली, इसमें इन्वर्टर वायरिंग की हुई है, इसके अंदर सप्लाई जा रही है। एल वाला भाग है, ये देखो, ये एल है ना, एल, ये देखो ध्यान से देखो, एल लिखा हुआ है, और इसमें दूसरे वाले दोनों में एल लिखा हुआ है। तो इस तार को, जो सिंगल तार इसके अंदर जो गई है, दोनों तार को इस एल में जोड़ना, ना कि इसमें जोड़ना न्यूट्रल वाले। ये जो एल भाग है, दोनों में एल में जोड़ना, और इनमें भी इसमें भी एल में जोड़ना है, इसमें भी एल है, ये भी एल है और ये भी एल है, दोनों एल एल जुड़ जाएगी इसके अंदर। उसके बाद हम ये जो तार है, जो इसके अंदर से जो इन्वर्टर है, इसके जो जो तार, ये दो, ये जो मेन फेज की तार आई है ये वाली, इसको हम, ये जो 3-पिन प्लग है, इसमें हम फेज और न्यूट्रल दोनों में कनेक्शन कर देंगे। इसके लिए हमें इन्वर्टर को जोड़ने के लिए हमें 3 प्लग टॉप चाहिए होता है, एक तो इसके लिए और 2 इसके लिए, सप्लाई आउटपुट में देने के लिए, और ये इनपुट में इसको सप्लाई, जो मेन फेज न्यूट्रल है, उसको इसमें देने के लिए। तो पहले हम इसका कनेक्शन इसके अंदर कर लेते हैं। प्लग टॉप में कनेक्शन करते समय वायर में रिवर्स करंट ना आए, इसके लिए हमें इन्वर्टर को ऑफ कर देना चाहिए, जिससे हमें करंट ना लगे, क्योंकि हमने पहले ही इसे बैटरी से जोड़ दिया है, जो कि पहले नहीं जोड़ना चाहिए था, लेकिन हमने पहले जोड़ दिया है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कनेक्शन करने से पहले हमें इन्वर्टर को ऑफ कर देना चाहिए, जिससे हमें विद्युत का झटका ना लगे। इसे मैंने न्यूट्रल वाले तार न्यूट्रल के इस भाग से जोड़ दिए, और फेज की जो तार है वो मैंने इससे जोड़ दी, और इसमें अर्थ की भी तार इसके अंदर दिया हुआ है, इस लीड के अंदर जो इन्वर्टर जो तार आई है, इसके अंदर अर्थ की भी तार, ये देखो हरी वाली दे रखी है, तो मैंने अर्थ की तार भी इसके साथ जोड़ दी है, जो इसके साथ हम इसके ऊपर ऐसा लगा के कस देंगे। ठीक, घर में इन्वर्टर लगाने से पहले हमें इन्वर्टर की सॉकेट और सप्लाई के सॉकेट में सिंगल वायर प्लग टॉप के थ्रू जोड़ते हैं, जिससे इन्वर्टर वायरिंग में सप्लाई मिलती रहे। इस बोर्ड में लेफ्ट साइड की सॉकेट में मेन फेज और न्यूट्रल की तार जोड़ी गई है, और जबकि राइट साइड के सॉकेट में जो पीली और वाइट वायर है, जो घर की वायरिंग की हुई पॉइंट है, एल वाले भाग में जोड़ी गई है, इसमें न्यूट्रल तार नहीं जोड़ते। उसके बाद जो ये प्लग टॉप, जिसमें फेज न्यूट्रल और जो अर्थ की तार जोड़ी है, इसे हम जो मेन फेज की जो तार जो सॉकेट जोड़ी है, इसके अंदर हम इसको साथ कनेक्शन करेंगे, और जो इन्वर्टर में जो सॉकेट है, इसको हम जो सिंगल वाली जो प्लग टॉप है, इसको इसके साथ हम जोड़ेंगे। तो चलो देखते हैं। जो राइट साइड का जो सॉकेट है, इसके अंदर हम प्लग टॉप लगे रहने देंगे, क्योंकि इसके अंदर सप्लाई देनी है इन्वर्टर की, तो दूसरे साइड हम इसका कनेक्शन करेंगे। अब हम इसमें जो राइट साइड की जो सॉकेट थी, उसकी जो सिंगल वायर थी, उसको हमने इन्वर्टर के जो सॉकेट लगवाया था, इसके अंदर हमने इसको सिंगल वायर की तार को प्लग टॉप के द्वारा जोड़ दिया है। उसके बाद जो फेज न्यूट्रल की जो तार है, जो काली वाली तार जो बताया था, जिसके थ्रू हमें बैटरी को चार्ज करना है, ये जो मेन फेज की तार है, इसको हम दूसरे वाले जो लेफ्ट साइड में है, इसको हम इसके साथ कनेक्शन करेंगे, जिससे बैटरी चार्ज हो, इससे बैटरी साथ चार्ज होगी और दूसरे वाले में सप्लाई जाएगी।
इसके बाद हम इसे ऑन कर देंगे। इसके बाद ये जो 1.5 एम की तार है, सिंगल तार, ये इन्वर्टर वाली तार है और ये फेज न्यूट्रल की तार है मेन सप्लाई इन्वर्टर की चार्जिंग के लिए। इसके बाद हमने बोर्ड को नट पेच के द्वारा इसको कस दिया और ऊपर ढक्कन लगा दिया। वो हमने जोड़ दिया है। इसके अंदर ये पहला बटन जो बोर्ड है हमारा 12 मॉडल का, इसके अंदर ये तो इन्वर्टर पे है और ये मेन सप्लाई पे है, ठीक है। ये इसके साथ जुड़ी है और ये इसके साथ, ये इन्वर्टर के साथ है और ये फेज के साथ, और ये इन्वर्टर के साथ जुड़ी है जो कि वो बल्ब है ना, ये देखो ये इन्वर्टर के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद ये मेन सप्लाई के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद ये जो रेगुलेटर जो पंखा है ये भी इन्वर्टर के साथ जुड़ी है। तो एक तो बल्ब और एक इन्वर्टर, इन दोनों को इन्वर्टर के साथ जोड़ दिया हमने, बाकी सप्लाई के साथ जुड़ी। एक तो एक इन्वर्टर के साथ ये पंखे वाली जुड़ जाएगी, एक ये बल्ब और एक ये सॉकेट मोबाइल चार्ज के, और एक मेन सप्लाई इसके साथ जुड़ जाएगी, बाकी फेज के साथ जुड़ जाएगी, ठीक है। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।